ओम सही राम, राधे राधे फ्रेंड्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से ढोलक आ रही होगी। और कमेंट से मुझे पता ही लग रहा है कि बस मतलब क्या कि सारे लोग सीख सीख के फिर वो देखते नहीं है, भूल जाते हैं कि हाँ अब क्या नया अपडेट दिया, तो कोई नहीं ध्यान देता क्योंकि वो लोग सीख सीख चुके हैं। जो नए व्यूअर्स आते हैं बस वही अभी टाइम लगता सीख रहे हैं, तभी मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और भाई लाइक भी नहीं करते, जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक भी नहीं करते। ये आप लोग मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड कर रहे हो, सच बता रहे हो। तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए अगर आप लोग देखते हो। चलो कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी है। तो आपको एक बढ़िया लेसन बताने वाली हूँ, छोटी सी वीडियो रखूँगी, लेंथी नहीं रखूँगी। क्या चार काउंटिंग, सिर्फ चार काउंटिंग, चार काउंटिंग बजा दो और धमाल मचा दो। बेस्ट लगाना टाइटल, ठीक है? हाथ फैला के चार काउंटिंग बजा दो और धमाल मचा दो। कैसे? मैं आपको इशारा करूंगी तो समझ जाना कि आज यही सिखाया जाएगा, क्योंकि किसी को थपाक लगाना नहीं आता है। तो थपाक की टेंशन ना लो, सिर्फ ये चार काउंटिंग बजा दो। और दो काउंटिंग साथ में जो रोकते हैं उसको कोई काउंट गिनना नहीं है सर, मेन काम तो चार काउंटिंग का है, ठीक है? अब आप जब मैं इशारा करूँ ऐसे करके तो समझ जाना कि यही काउंटिंग है। देखा आपने, जब स्टेंजा ले जाओगे तो यही चार काउंटिंग बजा के स्टेंजा बढ़ा देना, मस्त लगेगा, ठीक है? तो बता दूं आपको कि जब बेस पे आप बजाओगे तो ऐसे बजाना है 1 2 3 4, ठीक है? और ये आपको ऐसे बजाना है 1 2 3 4, फोर काउंटिंग बजाना है, इतने हाथ का पोर्शन बजाना है और नीचे से ऊपर, जिससे कि खुला साउंड निकले। कैसे? 1 2 3 4, रिदम यही रखना ना, कि अगर आपने ऐसे बजाया 1 2 3 4, ये रिदम काम नहीं करेगा। रिदम यही करना है 1 2 3 4, ठीक है? 1 2 3 4, देख रहे कितना खुला साउंड है, बहुत अच्छा से आ रहा आवाज़। तो फोर तो ये हो गया, लेकिन जब फोर काउंटिंग बजाती है उसके बाद जो ये ढोलक है ये पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब पकड़ोगे ना तो क्या करोगे, 1 2, ठीक है? 1 2 3, चाहे 3 करना चाहे 2 करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी आप थपकी करके मतलब बेस करके अपनी ढोलक बजाने लगो। अब आप, मैं गिनूंगी, अगर आपको कंफर्ट लगेगा 3 रखना वरना 2 रखना, रोकने वाली 4 काउंटिंग के बाद, जो मैंने भी 4 काउंटिंग बजाई, देखना 1 2 3 4। फिर से गिनो 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है? 3 वाली रोक लो चाहे थपाक लगा दो। देखो थपाक का मतलब धप, मतलब बेस जो बजाते हो, थोड़ा आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे कि थोड़ा मैं स्पीड में बोल जाती हूँ ना, मेरी आदत है। स्लोली 4 काउंटिंग 1 2 3 4, ठीक है? उसके बाद 1 2 3, ठीक है? फिर से देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2, आगे समझ में? अब ढोलक बजाऊंगी, उसके बाद काउंटिंग बोल भी दूंगी और बजाती भी जाऊंगी, ठीक है? अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लगी, ठीक है? देखो अब मैं भजन गाऊंगी, फिर आप उस पर देखना, एक बार पहले सिखा दूँ, ठीक है? 1 2 3 4, जल्दी से बजाना है इसको, स्लो नहीं बजाना है, इसलिए मुझे स्पीड में ही बताना पड़ रहा है। 1 2 3 4, ठीक है? 4 जो बिल्कुल खड़े खड़े बजाना है, जब आपको ढोला बजाने के लिए रोकने होंगे तो क्या करना होगा, 1 2 3, फिर बजाने चालू जाओ। फिर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है? अब बजाऊं 4 काउंटिंग, हाथ फैला के बजाना है बिल्कुल अच्छे से, 1 2 3 4, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी भोली भाल
चली है मेरी दुर्गे माँ, सिरों पे सवारी है मेरी दुर्गे माँ। कहाँ पर लगाई ये, गौर किया ना, बहुत अच्छी लगी। फिर से देखो ये लाइन फिर से रिपीट कर रही हूँ, आने से, इशारा कर दूंगी फिर देखना यहीं पे यूज किया है। मैंने थपाक नहीं लगाई है, बिना थपाक के ढोलक बजा सकते हो चार काउंटिंग से सिर्फ, ठीक है। आने से उसे के आए बहार, जाने से उसे के जाए बहार, बड़ी भोली भाली है मेरी दुर्गे माँ, सिरों पे सवारी है मेरी दुर्गे माँ। कैसी लगी है बताना जरूर कमेंट में। थपाक का तो ख्याल निकाल ही दो, अगर जिसको नहीं आ रहा है दिमाग में उतूल फुतूल चढ़ गया है कैसे थपाक सीखे, ऐसे सीखे, हाथ फैला के, टेंशन फ्री हो जाओ। जिसको नहीं आ रही है उसके लिए, जो सीख गया उसके लिए तो बेस्ट है ही। तो सिर्फ चार काउंटिंग लगा दो, धमाल मचा दो, ठीक है। बुलावे में कहीं पे भी बहुत मस्त बजेगी। तो बताना कमेंट में कैसी लगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब योर चैनल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।